हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, देखिए, जैसा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ हमने, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज 9.1। देखिए, इसके 6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है ना, तो बिल्डिंग की बॉटम और टावर दोनों का एंगल दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल। देखिए, ये है बिल्डिंग और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। तो देखिए, इसे हम ए और बी मान लेंगे, है ना, ए और बी। ये क्या है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर ये टावर, ये आपका टावर है, ओके। तो देखिए, इसका बॉटम, बॉटम हो गया आपका ये वाला एंगल कितना है, 45। कितना है स्टूडेंट्स, 45 एंड ये वाला एंगल टॉप, ये टॉप का एंगल है 60। टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री, ओके। तो देखिए, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर ए बी जो हमने माना है, और ये इसके ऊपर टावर, तो इसे हम सी मान लेंगे और इस पॉइंट को ले लेंगे डी, ओके, ठीक है। तो देखिए, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है ना, तो बॉटम एंड टॉप, तो इसकी ये टावर की बॉटम और इसका ये टॉप, बॉटम से इसका एंगल है 45 डिग्री एंड जो इसका टॉप है इससे इसका एलिवेशन एंगल ग्राउंड का है ये 60 डिग्री। तो देखिए, वो कंफर्म क्या करा रहे हैं, इसको कंफर्म करा रहे हैं। तो देखिए, इसे हमने एच मान लिया, सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच एंड डिस्टेंस एक्स, ओके, इसे हमने एक्स मान लिया, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो हमने क्या करना है, क्या लेना है हमने, 10, क्या लेंगे हम, 10, बिकॉज लंब मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किससे लेंगे, 10। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इजकल टू एच, है ना, और हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर ए सी इजकल टू, सॉरी, देखिए बिल्डिंग की हाइट तो दी हुई है 20 मीटर, 20 मीटर एंड ये ए सी हो गई एच मीटर, ओके, जो हमने मानी है, एंड डिस्टेंस है ना, बेस, ये इसको बेस भी बोल सकते हैं, बेस बी डी, बी डी इजकल टू एक्स, ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस वाले ट्राइंगल से ले लेंगे, ए डी बी से, है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, ओके, एंगल कितना है, देखिए ए बी क्या करेंगे, ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इजकल टू 20 मीटर एंड बी डी इजकल टू एक्स मीटर, है ना, देन थीटा, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इजकल टू 45 डिग्री, देन टेक 10 थीटा, टेक 10 थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है बी डी, बी डी, ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है 10 थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री इजकल टू ए बी कितना है 20
एंड बी डी एक्स, ओके, ए बी 20 और बी डी एक्स। तो देखिए 10, अब हमें यहाँ पर 10:45 की वैल्यू पता होना चाहिए। 10:45 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1 इजकल टू 20 अपॉन एक्स, देन एक्स इजकल टू 20 मीटर। मीन्स अगर 45 का एंगल है तो देखिए क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होगा, मीन्स परपेंडिकुलर इजकल टू बेस, ओके। जितना हाइट होगी उतना ही डिस्टेंस होगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखिए हमने पूरे ही ट्रायंगल से ले लेनी है क्योंकि हमें क्या कौन सी हाइट चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी, ओके, क्या हो जाएगा वही, देखिए ए बी सी टोटल हाइट, देखिए अब पूरी हाइट लेंगे, बी सी इजकल टू देखिए 20 प्लस एच, है ना, बिल्डिंग की हाइट प्लस टावर की हाइट, और ये बी डी इजकल टू कितना, एक्स कितना ये 20 मीटर, ओके, एंड थीटा इजकल टू कितना है 60 डिग्री। मीन्स एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ओके, कितना है 60 डिग्री। क्या करेंगे, यहाँ भी हम 10 थीटा ले लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताना है। देन क्या हो जाएगा, टेक 10 थीटा इजकल टू बी सी या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन बी डी, ओके। तो देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री, देन 10 60 इजकल टू बी सी कितना हो गया 20 प्लस एच अपॉन बी डी 20, ओके। क्या करेंगे, 10 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 इजकल टू 20 प्लस एच अपॉन 20। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एच इजकल टू 20 into √3, ओके, 20 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h इजकल टू 20√3 - 20, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा √3 - 1। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम √3 की वैल्यू रख देंगे। स्टूडेंट्स √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। देन h इजकल टू 20 ब्रैकेट में 1.732 - 1, ओके, देन h इजकल टू देखिए इसमें से 1 को माइनस करेंगे, देन 20 into 0.732। देखिए जैसे √3 की वैल्यू होते हैं 1.732, ऐसे √2 की वैल्यू होते हैं 1.414, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इसका हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, है ना, कैसे हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 7 = 14, 1 2 3 देन 14.64, देन एच इजकल टू 14.64 मीटर। देखिए ये मैंने क्या करा, ये मैंने 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी है, है ना, और आपकी ये हाइट एच की वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन आपका हो गया है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, तो इसकी जो बॉटम है उसका एंगल है 45 और जो इसके टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। क्या करेंगे, 45 है तो परपेंडिकुलर इजकल टू बेस, तो एक्स की वैल्यू 20। अब इस ट्राइंगल से लेने के लिए हमने 20 प्लस एच, मतलब दोनों को प्लस कर दिया, और थीटा कितना ले लिया 60 डिग्री, बेस हमारा आ गया क्योंकि इसके इक्वल है, बस कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर ये यहाँ पर निकल करके आ गया है, सॉल्यूशन हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल।
देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, फर्क केवल इसमें इतना है कि इसमें पेडेस्टल की हाइट पूछी है और जो पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है उसकी हाइट दी हुई है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये तो आपकी स्टैचू हो गई और ये यहाँ से ये हो गया आपका पेडेस्टल। ओके अब देखें ये जो पेडेस्टल है इसका जो एंगल है ये एंगल है 45 डिग्री। कितना है 45। और जो इसका ये स्टैचू है पेडेस्टल के ऊपर ये टॉपर इसका एंगल है 60 डिग्री। ओके ये 60 डिग्री है। तो देखिए पहला भी ये इसी तरह का क्वेश्चन था। अब देखिए हम इसकी हाइट ले लेते हैं, ये पेडेस्टल हो गया, इसकी हाइट ए बी है ना, और ये इसको सी ले लीजिए और इसको पॉइंट को डी ले लीजिए। ठीक है अब उन्होंने क्या करा है, देखिए स्टैचू जो है उसकी हाइट दी हुई है कितनी 1.6 मीटर है ना। तो इसे हम एच मान लेंगे और इसे ले लेंगे एक्स है ना, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो देखिए सेम वही हमने इसमें वही टेन लेना है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताना है, मीन्स पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके तो हम क्या लेंगे टेन। और देखिए वही ये एंगल पहले भी 45 का था, अब भी 45 का और ये 60 का है। चलिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ए बी इजकल टू कितनी है एच, एंड हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू ए सी इजकल टू 1.6 मीटर। ओके एंड बी डी बेस, बी डी इजकल टू एक्स मीटर। ओके तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले ट्रायंगल से ले लेंगे ए डी बी से है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी से। ओके तो देखिए क्या ए बी, ए बी इजकल टू एच, बी डी इजकल टू एक्स एंड थीटा इजकल टू 45। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी थीटा इजकल टू 45। देन टेक टेन थीटा, टेक टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी अपॉन बेस बी डी, देन थीटा कितना ले लेंगे 45, देन टेन 45 इजकल टू एच अपॉन एक्स, और टेन 45 1 इजकल टू एच अपॉन एक्स, देन एच इजकल टू एक्स मीन्स जितना परपेंडिकुलर होगा या जितनी हाइट होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी, दोनों इक्वल हो गए एच इजकल टू एक्स। अब नेक्स्ट आता है स्टेप ट्राइंगल ए सी डी बी से है ना, फ्रॉम ट्राइंगल सी डी बी। ओके तो देखिए अब हमने क्या करना है बी सी लेना है, क्या करना है बी सी। तो देखिए बी सी हो जाएगा बी सी इजकल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, देन ए बी कितना है एच प्लस 1.6। ओके और बी डी, बी डी कितना हो जाएगा बी डी इजकल टू एक्स, एंड सी डी बी एंगल सी डी बी इजकल टू 60 डिग्री। ओके अब वही टेन ले लेंगे, टेन थीटा, टेक टेन थीटा इजकल टू ए सी बी यानी कि बी सी अपॉन बी डी है ना, यदि कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बी डी। यहाँ तक क्लियर है?
तो देखिए अब क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू रख देंगे और नीचे बी डी, और थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 60। देन टेन 60 डिग्री इजकल टू बी सी एच प्लस 1.6 अपॉन बी डी एक्स। ओके, टेन 60 की वैल्यू रूट 3 एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 इंटू एक्स इजकल टू एच प्लस 1.6। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह हम क्या करेंगे एच की वैल्यू, क्योंकि एच इजकल टू एक्स या एक्स इजकल टू एच, तो क्या करेंगे हमने हाइट निकालनी है, तो जहाँ पर एच है एच की एक्स की जगह हम क्या कर देंगे एच रख देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पुट एच इजकल टू एक्स या एक्स इजकल टू एच कर दो, है ना, एक्स इजकल टू एच। तो क्या करेंगे, रूट 3 इंटू एच इजकल टू एच प्लस 1.6। अब इस एच को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू एच माइनस एच इजकल टू 1.6, और देखिए इसको माइनस करेंगे, देन एच रूट 3 माइनस 1 इजकल टू 1.6। अब देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए h इजकल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाता है h इजकल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन आंसर हो सकता है ना, ये आंसर है, बट इसको और आगे करने के लिए क्या करेंगे, देखिए रूट 3 प्लस 1 यानी कि अपोजिट साइन लेकर के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1, है ना, तो देखिए ये हो जाएगा एच इजकल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ओके, एंड रूट 3 प्लस 1 और अपॉन रूट 3 प्लस 1। ओके, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा h इजकल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 और अपॉन रूट 3, रूट 3 में करेंगे 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, भाई 3 में से 1 को माइनस कर 2 से इसको कट कर देंगे, देन एच इजकल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। और देखिए स्टूडेंट्स आगे अगर आप करना चाहेंगे तो आगे हो जाएगा, होगा क्या, देखिए रूट 3 का वैल्यू रख देंगे 1.732 प्लस 1, है ना, तो वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 2.732, है ना, करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, एच इजकल टू 0.8 इंटू 2.732 और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 2.1856 मीटर। ओके, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, देखिए ये मैंने पूरे 3 आंसर आपको निकाल के दिखा दिए, इसमें देखिए सेम उसी की तरह पहले वाले की, बस केवल फर्क इतना है वहाँ पर इसकी बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी और यहाँ पर ये स्टैचू का हाइट पूछ रहा है ना, स्टैचू का हाइट दी हुई है और जो पेडेस्टल है जिस पर स्टैचू है उसकी हाइट पूछ रहा है ना, कैलकुलेशन सेम उसी तरह से है, एंगल दोनों सेम है, ये 45 ये भी 60 दोनों सेम एंगल है, देन परपेंडिकुलर इजकल टू बेस, है ना, एच इजकल टू एक्स, तो यहाँ पर मैंने वही करा, देखिए जब मैं पहली इक्वेशन मैंने निकाली थी तो उसमें एच की वैल्यू एक्स यानी कि एक्स या एच दोनों इक्वल है ना, और वही मैंने यहाँ पर करा, एक्स की जब मैंने यहाँ पर एच को पुट कर दिया, देखिए एक्स को भी कर सकते थे लेकिन हमने एच की वैल्यू निकालनी है इसलिए हमने एक्स की जगह एच को रखा, तो रूट 3 इंटू एच इजकल टू एच प्लस 1.6,
एच को इधर लेंगे तो रूट थ्री एच माइनस एच इजकल टू 1.6, देन एच देखिए रूट यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर रूट थ्री माइनस वन इजकल टू 1.6 और एच इजकल टू 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। एक आंसर आपका यहाँ हो गया। अब आगे देखिए अपोजिट साइन से रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा भाई, 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें ही हो गई और इसकी रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, वन की वन वन जा वन, थ्री में से वन को माइनस करेंगे टू, देन 0.8 रूट थ्री प्लस वन। अब ये आंसर हो गया और आगे आंसर करने के लिए रूट थ्री की वैल्यू 1.732 होती है प्लस वन, तो 1.732 में प्लस वन करने पर 2.732 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्यूरेट आंसर आपका ये है। यहाँ भी आपका आंसर हो जाता है, यहाँ भी आपका आंसर हो जाता है और लास्ट में ये भी आपका आंसर है, ये आपका कन्फर्म है जो उसकी हाइट है पेडस्टल की। तो देखिए ये सॉल्यूशन आपका हो गया है। तीन आंसर मैं निकाल कर दिखाती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए।